दोस्तों, मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है। राजू बीते करीब 42 दिनों से एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। उन्हें 10 अगस्त से ही दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद लगातार डॉक्टर्स राजू की जान बचाने के लिए कोशिश भी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक राजू श्रीवास्तव का ब्रेन काम नहीं कर रहा था, उनके ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी, इसी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ था। हालांकि उन्हें बीच में कई बार वेंटिलेटर से हटाया भी गया, लेकिन फिर से शिफ्ट करना पड़ा। राजू का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर किदवई नगर में 25 दिसंबर 1963 में हुआ। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक गरीब परिवार में पैदा होने के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से आज लोगों के दिलों पर राज कर बैठे थे। इन्हें कॉमेडियन किंग का क्राउन ऐसे ही नहीं मिला था। कानपुर में जन्मे राजू ने अपनी पहचान गजोदर भैया से बनाई। आज के समय में हर एक इंसान इन्हें इसी नाम से जानता है। राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर की शुरुआत भारत और विदेशों में स्टेज शो पर कॉमेडी के जरिए की। इसके बाद उन्होंने कई बड़े बड़े शो भी किए। राजू कॉमेडी के अलावा अमिताभ की मिमिक्री भी बहुत अच्छे से किया करते थे, जिससे इन्होंने कई एडवर्टीजमेंट्स में अमिताभ बच्चन की आवाज दी है। राजू ने फिल्मी जगत में कदम साल 1988 में रिलीज हुई फिल्म तेजाब से रखा। इसके बाद लगातार राजू ने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जिसमें जैसे मैंने प्यार किया, बाजीगर, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वाह तेरा क्या कहना, बिग ब्रदर, बॉम्बे टू गोवा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, फिरंगी। इतना ही नहीं, राजू ने स्टार वन पर प्रसारित होने वाले टैलेंट शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के साथ स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा और रनर अप बने। ये शो साल 2005 में आया था। उसके बाद राजू बिग बॉस सीजन 3 का भी हिस्सा रहे। इसके बाद कॉमेडी शो कॉमेडी का महामुकाबला में भाग लिया और साल 2013 में अपनी पत्नी शिखा के साथ नच बलिए सीजन 6 में भाग लिया। इसके बाद कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी नजर आ चुके हैं। राजू द इंडियन म्यूजिक लीग नाम के एक शो में भी दिखाई दिए। यहाँ एक स्टैंड अप कॉमेडी शो था जो लाइव ओके पर टेलीकास्ट हुआ था। राजू दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले मुकेश खन्ना का सीरियल शक्तिमान का भी हिस्सा रहे थे। राजू श्रीवास्तव अपनी कॉमेडी में कानपुरिया कॉमेडी का तड़का लगाते थे, जो लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया जाता था। उनके पास तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और अगर बात करें राजू की कार की, तो उनके पास 83 लाख की ऑडी Q7 और 47 लाख की BMW 3 सीरीज की लग्जरी कार्स हैं। इसके अलावा उनके पास टोयोटा की इनोवा गाड़ी भी है और लखनऊ में एक खुद का घर भी है। तो दोस्तों, ये समय राजू के परिवार के लिए काफ़ी कठिन समय है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि राजू के परिवार को संवेदना मिले, खूब सारा प्यार मिले और खूब सारी ताकत मिले इस दुख की घड़ी में लड़ने के लिए।